डियर स्टूडेंट, हमने कल तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कल तक एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी प्रावस्था, एक ही बात है। कोलाइडी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, कोला और इडोस। कोला का मतलब होता है बेटा गोंद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लू, और इडोस का मतलब होता है समान, यानी के जैसे। तो गोंद के जैसे पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइडी होते हैं। गोंद के जैसे पदार्थ कैसे होते हैं बेटा, आलू को काट के उबालोगे तो स्टार्च आता है ऊपर, उसको जब हाथ से लोगे तो वो चिपचिपा होता है, चिपकता है। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइडी होते हैं। अब कोलाइडी की परिभाषा क्या, वे पदार्थ कौन से, वे पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में, जब पानी में घोल दिए जाए, घुलनशील अवस्था में अर्ध पारगम्य झिल्ली या पार्चमेंट पत्र को पार नहीं कर पाए या उनमें से नहीं निकल पाए, वे पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोलाइड, उन्हें क्या कहते हैं, कोलाइड। तो जो अर्ध पारगम्य झिल्ली, बताया था मैंने तुम्हें, जिसमें से केवल विलायक निकले विलय ना निकले, झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार ना कर पाए, वे क्या होते हैं, कोलाइडी होते हैं। और इसी के विलयन को क्या बोला जाता है, घुलनशील अवस्था में जो विलयन प्राप्त होता है उसको बोला जाता है बेटा कोलाइडी विलयन। क्या बोला जाता है, कोलाइडी विलयन। उदाहरण है इनका, गोंद चिपकता है, स्टार्च, एल्यूमिनियम, आपका वैसा धातु होती है, बिल्कुल धातु होती है, मान ली बात है, अगर हाथ में पकड़ा हो तो हल्का भी होता है और चिपकता भी है हाथ से। अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन कैसे बनता है। तो बेटा कोलाइडी विलयन जो होता है ना, वो कैसे बनता है, वो बनता है दो चीजों से। एक होता है बेटा परिक्षेपण माध्यम, क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम, और एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। वास्तविक विलयन क्या होता है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो बेटा जो वहां पे विलय होता है ना, वो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, और जो वहां विलायक होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। यानी ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है उसे कहा जाता है विलय वास्तविक विलयन में। यानी जिस चीज को हम घोलेंगे वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, जो भी कोलाइडी विलयन बना रहा है। जैसे मान लो गोंद का पानी में घोल दिया, तो गोंद को घोला पानी में तो परिक्षेपण माध्यम पानी हो गया और गोंद हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था। ये हो गया कोलाइडी अवस्था का जनरल इंट्रोडक्शन होता क्या है। अब इसके कोलाइडी तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा कल, आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था विलय, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है बेटा विलायक, एक वास्तविक विलयन का। अब कोलाइडी कण, यानी जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार क्या होना चाहिए बेटा, उनका आकार 10^-4 से 50 angstrom से 2000 angstrom तक का होना चाहिए, ये उनका आकार है बेटा। ये कोलाइडी कण कहलाते हैं, इस आकार के कण क्या कहलाते हैं, कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, 50 angstrom से 2000 angstrom तक होता है। अब बेटा देखो क्या होता है, विलयन बनता है, किस किस टाइप के विलयन बनते हैं। विलयन बनता है जिसमें हम कण घोल दें और कण नीचे बैठ जाए, उसे बोलते हैं बेटा निलंबन, क्या बोलते हैं, निलंबन। और विलयन जिसमें सब जगह बराबर
वितरित रहे, वो होता है विलयन। तो बेटा कोलाइडी अवस्था समझिएगा, कोलाइडी अवस्था का मतलब है वे पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में अर्ध पारगम में झिल्ली को पार ना कर पाए वो क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। कोलाइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है, कोला और आइड, गोंद जैसे पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। इनके विलयन क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, परिक्षेपण माध्यम बेटा विलयन बनेगा। तो जिसमें हमने कोलाइडी कण को घोला उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जिसको घोला उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था विलय। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है।